Dear students, today's our topic is page replacement algorithms. तो page algorithm जो replacement algorithm है उसमें क्या करते हैं और page क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि page basically क्या होते हैं. Page हम उसको बोलते हैं जो हम data का movement करते हैं जब program आपका run होता है. तो page आपका एक smallest unit of data है. तो जब हम वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करते हैं तो वर्चुअल मेमोरी में जो डेटा आप स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं पेज. पेज बेसिकली फिक्स्ड साइज का एक अमाउंट ऑफ डेटा होगा, उसको हम पेज बोलते हैं. और जब ये पेज, जैसे यहाँ पर ये जो आपकी डिस्क दिख रही है, ये जो हार्ड डिस्क है, इसमें ये जो ब्लॉक है, ये आपका एक पेज है मान लीजिए. तो इस पेज को हम यहाँ पर बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी में पेज. और जब यही आपका ब्लॉक यहाँ पर स्टोर होगा तो हम इसको बोलने लगेंगे फ्रेम. ये आपकी क्या है, ये आपकी मेन मेमोरी. ठीक है, तो ये पेज और फ्रेम होते हैं. तो बेसिकली पेज क्या हुआ, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा फॉर मेमोरी मैनेजमेंट इन वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर है, तो ये हमको समझना होगा सबसे पहले. तो ये आपका पेज क्या होता है, ये क्लियर हो गया. अब इसके बाद हम आते हैं कि ये जो आपके पेज फॉल्ट क्या होता है, कि पेज फॉल्ट, पेज रिप्लेसमेंट की जरूरत क्या. पेज फॉल्ट बेसिकली होता है कि ये आपकी मान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी है, इस सेकेंडरी मेमोरी में आपका डेटा स्टोर्ड है, ये आपकी मेन मेमोरी है. यहाँ पर आपने किसी प्रोसेस P1 को मान लीजिए रन किया, तो P1 प्रोसेस को जब आप रन करते हैं तो पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी इस सेकेंडरी मेमोरी में तो स्टोर है नहीं. तो सेकेंडरी मेमोरी में आपके मान लीजिए एक प्रोसेस P1 है, उसके 10 पेज हैं, उसके दो ही पेज आपने मेन मेमोरी में स्टोर किए. तो दो पेज रन होने के बाद नेक्स्ट पेज रन होगा तो वो सीपीयू बोलेगा कि नेक्स्ट पेज को मुझे दीजिए. तो वो जो नेक्स्ट पर जब मेमोरी में नहीं मिलेगा, तो जब वो पेज नहीं मिलता है तब हम उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट. तो इस पेज को हमको सेकेंडरी मेमोरी से लाना होता है, तब जाकर के वो रन होता है. तो इसी को हम बोलते हैं पेज फॉल्ट. तो यहाँ पर ये जो आपके डायग्राम दिख रहे हैं, ये जो फिजिकल मेमोरी मेन मेमोरी, और ये जो आपको सिलेंड्रिकल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी. अब इसी को और डिटेल में समझने के लिए हम आते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम कैसे काम करती है. तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने इसको देखा कि ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ. ये जब ये पेज फॉल्ट हुआ तो यहाँ सबसे पहले हार्ड डिस्क में उसने उस पेज को लिया और वापस उसको मेन मेमोरी में पेज को स्टोर कर दिया. तो इसको हम बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट. बेसिकली जो पेज रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर अगर कोई स्पेस नहीं है, कहाँ पर, इस मेन मेमोरी में, तो अगर स्पेस नहीं है तो हमें यहाँ से किसी न किसी पेज को हटाना पड़ेगा. और इस जब पेज को हम हटाते हैं तो कौन से पेज को हटाएं, पूरी मान लीजिए ये जो फिजिकल मेमोरी है वो फुल है. तो ये अगर फुल है तो हमें किसी एक पेज को हटाना होगा, तो किस पेज को हटाएं यही हमको डिसाइड करना होता है. तो इसी को डिसाइड करने के लिए हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को यूज करते हैं. तो यहाँ पर जो जनरली एल्गोरिथम्स को हमने यूज करते हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं वो एल्गोरिथम्स यहाँ पर दी हुई है. एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक एल्गोरिथम कौन सी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. दूसरी है आपकी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, और थर्ड आपकी है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट. तो ये जो एल्गोरिथम से इनको हम यूज करते हैं पेज को रिप्लेस करने के लिए. तो सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो एल्गोरिथम है उसको देखते हैं कि ये कैसे काम करती है. तो यहाँ पर देखिए, दिस इज द सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. इन दिस एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने 10 पेज मेन मेमोरी में रखे, तो 10 पेज में से सबसे पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, मतलब जो पेज सबसे पहले आएगा उस पेज को हम सबसे पहले आउट करेंगे मेन मेमोरी से जब भी हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत होगी. तो इन दिस एल्गोरिथम द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द पेजेज. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये पूरा डिटेल रहता है कि कौन सा पेज पहले आया, कौन सा पेज बाद में आया. तो ये हमारे पास ये डिटेल रहेगा, तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो ये कैसे इंप्लीमेंट होगी, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक क्यू होगा, और इस क्यू में ये पूरी रिकॉर्डिंग रहेगी कि कौन सा डेटा आप पहले आया, कौन सा बाद में आया. तो इसको डिटेल में समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, और ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में ये जो डेटा दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं रेफरेंस स्ट्रिंग. रेफरेंस स्ट्रिंग का मतलब है कि आपके पास इस पेज की रिक्वायरमेंट आई कि ये पेज मुझे मेन मेमोरी में चाहिए. यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेम साइज, मतलब मैं मेमोरी में एक बार में 3 पेज मैक्सिमम स्टोर कर सकता हूँ. तो ये आपके फ्रेम का
साइज दिया हुआ आपकी उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, और हमें कैलकुलेट करना है कि आपके नंबर ऑफ कितने पेज फॉल्ट हुए और कितने हिट हुए। हिट मतलब पेज आपका मेन मेमोरी में मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं पेज हिट, और नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं पेज मिस या पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट बेसिकली मेन मेमोरी में डेटा नहीं मिलता है तो हम उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पर इस टेबल में F3, F2, F3, F2 और F1, मतलब फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 ऐसे स्टोर कराएंगे। F1 मतलब पहला पेज आएगा, मैं यहाँ पर स्टोर करूंगा, सेकंड आएगा यहाँ पर स्टोर करूंगा, थर्ड आएगा यहाँ पर स्टोर करूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास रिक्वायरमेंट किसकी है, 7 की। तो ये अभी तो पूरा ब्लैंक है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पूरा का पूरा ब्लैंक है। अब ये ब्लैंक है तो सबसे पहले मैंने 7 रिक्वेस्ट आई तो 7 को मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी ब्लैंक है। 7 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट किसकी आएगी, 1 की, तो 1 को मैं लूंगा, तो 1 को मैंने लिया, सॉरी 0 आया तो 0 को मैंने यहाँ स्टोर कर दिया, क्योंकि अभी मेरे पास रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक मेरे पास स्पेस है इसलिए मुझे उसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट किसकी आई, 1 की, तो 1 को भी मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया क्योंकि ये भी आपका ब्लैंक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट रिक्वेस्ट इसके बाद आ रही है 2 की, तो ये जो 2 की रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि यहाँ पर आपके तीनों के तीनों फ्रेम फिल्ड है, तो इसमें से मैं कौन से फ्रेम को डिलीट, कौन से पेज को डिलीट करूँ, कौन से फ्रेम को डिलीट करूँ। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि सबसे पहले इन तीनों में कौन सा फ्रेम आया, 7, तो मैं 7 को यहाँ से रिप्लेस करूंगा, मतलब यहाँ से मेन मेमोरी से हटाऊंगा और इसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करूंगा, और इसकी जगह जो मेरी रिक्वेस्ट आई है ये 2 के लिए, ये वाली, इसको मैं यहाँ पर स्टोर कर दूंगा। तो इसको हम बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट। तो यहाँ से मैंने पेज को रिप्लेस कर दिया। अब ये जो पेज है, इस पेज को रिप्लेस करने के बाद इसी तरीके से मैं आगे की रिक्वेस्ट को फुलफिल करूंगा। अब 2 के बाद क्या आया, 0, तो 0 को मैं कहाँ स्टोर करूँ। अब देखिए भाई, यहाँ पर 2 को तो मैंने ये रिप्लेस कर दिया था, अब नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट 0 की, तो मैं चेक करूंगा कि ये जो आपका कॉलम है F1, F2, F3 के लिए, ये 1, 0 और 2, यहाँ पर 0 अवेलेबल है क्या, हाँ भाई ये 0 अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पेज फॉल्ट नहीं हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, पेज हिट। तो ये नेक्स्ट जो कॉलम है यहाँ पर 0 की जगह 0 ही रहने दिया, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया H फॉर हिट, तो ये यहाँ पर हिट हो गया, मतलब मैं इसको रिप्लेस करूंगा नहीं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट 0 के बाद क्या आएगा, 3, 0 के बाद 3 आया, तो 3 को मैंने देखा कि यहां पर मेरे पास ये जो आपका कॉलम था यहां पर 3 नहीं है, तो मैं कौन से पेज को रिप्लेस करूं, तो मैं नेक्स्ट जो कौन सा आया था 0, तो 0 वाले पेज की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3। इस तरीके से आपने इसको रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से 3 के बाद क्या आया, नेक्स्ट मान लीजिए आता है आपका 0, कौन सी रिक्वेस्ट आई, 0, तो इस 0 को फिर मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि यहाँ पर 0 अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो कौन से पेज को रिप्लेस करूंगा, सबसे पहले कौन सा आया था, 2, तो अभी हमने रिप्लेस किया, 3 को भी रिप्लेस किया, 1 सबसे पहले आया था, तो मैं 1 की जगह क्या कर दूंगा, 0। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी एंट्री की हुई है, और यहाँ पर ये जितने भी स्टार लगे हुए हैं, स्टार का मतलब है पेज फॉल्ट हुआ, मतलब ये मेन मेमोरी में पेज नहीं मिले थे, वो पेज मुझे लाने पड़े, और ये जो सारे के सारे जितने भी रेड कलर में दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो सभी के सभी पेज फॉल्ट हुए हैं। और यहाँ पर ये जो H लिखा हुआ हिट, यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर नहीं किया, इसका मतलब है ये पेज हिट हुआ है, ये पेज मिल गया था, तो यहाँ पर ये जो H लिखे हुए हैं वो सभी हिट हैं। तो सब टोटल कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ हिट कितने हुए, 1, 2 एंड 3, और पेज फॉल्ट कितने हुए, जितने भी स्टार है उनको कैलकुलेट करेंगे तो 12 आपके पेज मिस हुए, इसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। इस तरीके से हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम को यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं पेज रिप्लेसमेंट के लिए। अब इसी को आप नेक्स्ट जो मैंने एक एग्जांपल दिया है उसमें आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिए, ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को भी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर बाई लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ है, PF स्टैंड्स फॉर पेज फॉल्ट, तो ये जो पेज फॉल्ट हुआ है, और ये यस लिखे हुए, मतलब टोटल पेज पर हिट कितना हुआ है, कोई नहीं हिट हुआ, तो इसको इस तरीके से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये आप इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, और कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू, जूम के थ्रू या मेल के थ्रू भी आप इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।